छोटी सी बात के लिए ड्राइवर को मार डाला तो सोचो तुम जैसे फ्रॉड डॉक्टर का क्या होगा। ये ढीला जानवर भी उनको मारते हैं जो हमला करता है। मैं तो झगड़ा शुरू होने से पहले ही सफेद गुलाब दिखा दूंगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुझे क्या पता। एक बात और, मेरा हाथ देख, इतनी लंबी लकीर है, हाईवे से भी लंबी, लंबा जाऊंगा। लकीर देख के तकदीर बताते हो? हाँ सही कहा, मेरे हाथ की लकीर देख के लगता है मैं जल्दी फ्लैशबैक में जाने वाला हूँ। मेरे बाल काले होने वाले हैं। काय को झूठ बोल रहे हो? हिरनी शेर की गुफा में, समझ जा। मेरा हाथ कैसा है? नरम है, मुलायम है, लगता है साबुन की जगह मलाई से। हाथ की बात नहीं कर रही, लकीर के कर रही हूँ। मेरी शादी कब होगी? तुम राजी हो तो अगली पूर्णिमा के दिन शादी हो जाएगी। मैंने तो अभी लड़का भी नहीं ढूंढा। लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने सब कुछ सेट कर दिया है। वो कैसा होगा? वो 5.5 फुट लंबा है, सलमान खान शाहरुख खान का मिक्सर है। वो थोड़ा सांवला है, कृष्ण भगवान की तरह। कृष्ण भगवान? मैं कब देख पाऊंगी? अभी तुम उसको देख रही हो। नहीं, मतलब उसको देखोगी अगर तुम शाम को 5:30 बजे तुलसी के फेरे लोगी, वो भी आंख बंद करके गोल 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 3 फेरे लोगी ना, तब तक तुम्हारा सुपर हीरो आ जाएगा। एक बात और, वो थोड़ा हटके होगा लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसको स्वीकारना होगा। लगता है मुझे मसाज की जरूरत पड़ेगी। अरे मालिक, इस मामले को शाम तक कहीं को खींचने का, अभी बोल देते ना कि आप ही दूल्हे हो। अरे मैं इस बुड्ढे के रूप में उसके सामने कैसे जाता? शाम तक हीरो बनने का टाइम मिलेगा। अगर पकड़े गए ना तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे अरे ढीले, बाप और बेटे एक जैसे दिखते हैं, मामला गड़बड़ हुआ कि सीधा दादा। ये देख हीरो वाला एंट्री। लंगोर लग रहा हूँ ना, डेसिंग हीरो। बाप के गेटअप में ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। तेरी आंखों से मूंगफली का तेल निकालूं? और याद रख, इस वक्त मैं कॉमेडियन नहीं, हीरो हूँ। कम ऑन। उसने पूजा का दिया जला लिया है। फॉलो मी। वकील ने मुझसे कहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं। वह जी, आपने हेयर कट करा कर उसे डाई भी कर लिया? नहाते वक्त वो गलती से शैम्पू की जगह डाई लगा लिया, तो मैं जवान हो गया हूँ। क्यों, क्यूट लग रहा हूँ ना? ओके लग रहे हो, बस ओके। मेरे मुंह पे बोलने के बजाय मेरे पीछे ओके कहा क्या? मेरे पीछे आई ना। देखो ना, मैंने तुम्हारी मनपसंद फूल वाली साड़ी पहनी है और कागज का फूल भी लगाया है। आओ निशुना, गले लग जाओ। मैं भैंस के गोबर से नहलूंगा, गटर में रह लूंगा, लेकिन लेकिन इस बूढ़ी को गले नहीं लगाऊंगा। ये गेटअप उसके लिए थोड़ी है, ये तो परी के लिए। उसने पहला राउंड लगा लिया है। मेरे प्यारे जीजू, मेरी बहन हल्दी लगाकर तैयार है और तुम भी सफेद कबूतर से काला कौवा बन गए हो। यू विल डाई फॉर ईच अदर। ले ले, ये तो जीने के पहले मरने की बात कर रहा है। उसने तीसरा राउंड ले लिया। जाने दे, जाने दे। तुम्हारा सुपर हीरो तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे उसको क्या डोले शोले दिखा रहे हो, चलो एक सेल्फी लेते हैं। तेरी शक्ल देख के मोबाइल भी हैंग हो गया, तू क्या सेल्फी लेगी? हाय बोलती है, किसी के भी साथ बात करती है। ये तू कौन है? ये अनिता का भाई है, जंगली जानवरों की शूटिंग करके जंगली टीवी पर दिखाता है। मतलब मोगली का मामा है। वैसे ये कौन है? सुपर हीरो है, वो जो सेठ जी का इलाज कर रहे हैं। वैद्य जी, मुरली ने आपकी काफी तारीफ की। वैसे आप उम्र में काफी छोटे हो, इसीलिए मैंने आपसे ऐसी बात की। सॉरी दादाजी। दादाजी, इससे अच्छा 2-3 गाली दे दी होती। ए रवि, अनीता ने बताया तुम आने वाले थे, कब पहुँचे? अभी पहुँचा। तो अंदर आओ ना। मैंने तो ये बहुत ही पसंद आए, थैंक यू है जी। इसलिए? क्योंकि आपने कहा था ना कि तुलसी के चक्कर पूरे करते ही मेरा फ्यूचर हस्बैंड फेस टू फेस होगा। थैंक यू बहन जी। 5.5 फुट का बोला था या 6.5 फुट का है? ओ परवाह नहीं जी, कम थोड़ी मिला, एक्स्ट्रा ही मिला है। तुम लड़कियों को एक्स्ट्रा बहुत पसंद है ना? मुझे उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। छे, मुझे तो भगवान ने बोनस में एक्स्ट्रा अंधेर दे दिया। ऊपर वाले ने मुझे एक्स्ट्रा दर्द दे दिया। मंजू को देखो, चटाक मिली और पट प्यार हो गया। और हमारा प्यार सदियों पुराना है, लेकिन अब तक हम लोग मिल नहीं पाए। तुम्हारे पपीते जैसे होठ आपस में मिल नहीं पाते, हम क्या मिलेंगे? मुझे जाने दो। मैंने सचमुच वहाँ किसी को देखा था। जबरदस्ती की बातें मत किया करो। मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। मैंने छुट्टी इसलिए ली कि तुम्हारी शादी की तैयारियाँ करवाऊँ, पर सब उल्टा हो गया। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है भैया, डरती हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। शादी से पहले ये सब होना अच्छा शगुन नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मुरली को कुछ नहीं होगा। वो रहे अंकल, वहाँ क्या हो रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए, मुलाकात का टाइम खत्म हुआ, आप चलिए मैं आता हूँ। जब मैं पापा के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वो हवा में है, और बस उतना ही नहीं, मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है।
की चीख सुनकर मैं बाहर कुएं की तरफ आया, पर वहां कोई नहीं था। जख्मी हालत में एक पेड़ के नीचे गिरा था। जब मैंने उसके पास जाकर बात की तो वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी बात बता नहीं पाया। उससे पहले ही वो यहाँ कोई सर, सबकी जान न खतरा, सर आओ। मुझे अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं है, पर उस घर में रहने वाले लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये बात किसी और को क्यों नहीं बताई? कोई मेरा यकीन करेगा? मैं बस एक बात जानता हूं, उस घर में कुछ बहुत खौफनाक है। उसके कमरे में पहुंचते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं बाहर से कर लूंगा। मैं चिल्लाकर घर वालों को इकट्ठा कर लूंगा। अगले 10 महीने में तुम्हारी शादी गारंटीड उससे हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि उसने मेरा रेप किया है तो वो बदनाम हो जाएगा ना। तुम अपनी ढलती जवानी के बारे में सोचो, जल्दी जाओ, मुंह काला करके ही बाहर आना। पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट। पोछा लग चुका है और घिसेंगे तो गड्ढे पड़ जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए स्पेशल सफाई करूंगी। एक खाली कमरे में सफाई करने आओ तो ठीक है, लेकिन एक मर्द के रहते इतनी रात को सफाई, तुम पर डाउट हो रहा है। चलो जाओ। आधे मिनट में लाइव सिखा दूंगी। आधे मिनट में क्या तीर मारूंगी? सिखाती हूँ। माथे में जुए पड़ी है क्या? उसे बना रही हो? ले, खुद को 18 साल की समझती है जो मैं तेरा ये शो देखूंगा? बुढ़ी, मुझे तेरा असली इरादा समझ में आ गया है। मैं तेरे इस घोंसले में नहीं फंसने वाला है, जल जा। नहीं, चल जा। नो, हाँ, नो, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। अरे सब लोग यहाँ यहाँ से ग्लास किसने चुराया? ये मटकी के साथ एक हाथ फ्री है क्या? तू नहीं गई तो शोर मचा के सबको बुला लूंगा। अरे ये काम तो मेरे भैया को करना था। तू नहीं जाएगी, भेजना पड़ेगा। आजा। बुड्ढी, इसकी आंखें ऐसे फटी है जैसे कोई भूत देखा हो। ए, इसको मत हिलाओ वरना मिल्क शेक बन जाएगा। I will be back. I am waiting. भाई को गाय की तरह खींच के तबेले में छोड़। स्वामी जी, भूख लगी है क्या?
ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। तुम उसे पैसा दोगे वो जाकर उसे गटर में फेंक देगा। कीचड़ फेंकता है, भागे ले क्या? दोबारा इस घर के आसपास भी दिखा तो तेरी जान ले लूंगा। चल भाग यहां से, निकल। सुरेश क्या हुआ, पानी के अंदर कैसे आ गए? बोलो बताओ सुरेश। बेटा तुम्हें सुरेश पानी के अंदर कौन है? सुरेश क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं कैसे पानी में क्या कर रहे थे तुम? ध्यान से सुरेश, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं होगा तुम्हें। भगवान ने बचा लिया। कितनी बार कहा है घर के अंदर खेला करो, क्यों गया था बाहर? हाँ सब तुम्हारी गलती है, एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। तुम्हें कौन सा घर का सारा काम करना पड़ता है? नौकर कभी बाप की जगह नहीं ले सकते, समझे? मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी कर। सुरेश वो खिलौना तुमने बाहर क्यों छोड़ दिया था? और वो पानी में कैसे पहुँच गया? वो खिलौना तुम्हें किसने दिया? वो खुद मेरे पास आया। जब वो पानी में गिरा तो किसी को बुलाकर निकलवाना चाहिए था, तुम पानी में क्यों गए? उसने मुझे पानी में खींचा। किसने? जो हमारे घर में रहती है उसी ने। वो हमेशा मुझे तंग करती है। ये बात अपनी मम्मी को बताई? बताऊंगा तो नर्स नाराज हो जाएगी। वो कैसा दिखता है? बताओ कैसा दिखता है? पानी में फूल डालना, दीवार पर लाल रंग, बच्चे को खिलौना देना, इन सब बातों के पीछे राज क्या है? बताओ उस ड्राइवर को क्यों मारा? क्या कहा? घर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो, सच बताओ। नहीं जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारा दोष मेरी कुंडली का ही है। मेरे अंकल ने कहा था 19 दिनों तक अगर मैं ये पूजा करूँगी तो मेरी शादी ना बहुत जल्दी हो जाएगी। उस रात जब मैं पूजा करने बैठी थी तो मैंने बाइक की आवाज आई थी। मैंने ये राज सबसे इसलिए छुपाया ताकि मेरी पूजा के बारे में किसी को पता ना चले। तुसी मुझे गलत मत समझो जी। तुमने कहा कि बाइक की आवाज आई थी, किस तरफ से? इस तरफ से आई थी। जब मुरली ने ड्राइवर को मारा था तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ऐसे में वो बाइक नहीं चला सकता था, तो फिर उसके साथ कौन था? हमारा पहला कारपेंटर फेसबुक का दीवाना था। एक दिन फेसबुक देखते देखते अलमारी ठोक रहा था और अपने फेस को ठोक दिया। उसके बाद कभी मेरे से फेस टू फेस नहीं आया। दूसरे कारपेंटर रामाकृष्ण को घंटी बजाने का शौक था तो उसे मंदिर भेज दिया। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैमरा स्टैंड बनवाना है।